सबकती कमीशन के अरकान की तकर्री का मामला चेयरपर्सन और मेंबर की यानी मेम्बरान की तकर्र गैर आइनी करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि एक माह में इन अहदों पर शफाफ अंदाज में तैनाती की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने विफाक की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुनाते हुए मसाबिकती कमीशन की चेयरपर्सन विद्या खलील और दो अरकान डॉक्टर मोहम्मद सलीम और डॉक्टर शहजाद अंसर को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म सुना दिया। अदालत ने चेयरपर्सन मसाबिकती कमीशन और दो मेंबरान की बहाली के सिंगल बेंच के फैसले को कल अदम करार दे दिया। वफाकी काबीना ने 4 अक्टूबर 2018 को मसाबिकती कमीशन की चेयरपर्सन विद्या खलील और दो अरकान का फैसला किया था। फिनांस डिवीजन ने 15 अक्टूबर 2018 को इनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया था। तीनों अरकान ने बरतरफी के खिलाफ अदालत से रुजू किया, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हुकूमत का बरतरफी का हुक्म कलअदम करार देकर चेयरपर्सन मसाबिकती कमीशन और मेंबरान को बहाल कर दिया था। इत्तेफाक ने अदालत आलिया के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी।